दोस्तों इस वक्त ये जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो है एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का और उनके उस्ताद का। दोस्तों मगरिब की नमाज के बाद का वक्त है और गर्मी पूरे शबाब पर है। उस्ताद को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं कि ये बच्चे क्लास से बाहर जाएं और वहाँ पर जाकर अपना टाइम पास करें, जबकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो उस्ताद ने खुद ही अपने हाथ में पंखा लेकर इन बच्चों को हवा करना शुरू कर दिया और इन बच्चों से कहा कि आप मेहनत से पढ़ें। दोस्तों उस्ताद का अदब भी माँ बाप के अदब की तरह करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें इल्म पढ़ाते हैं और भले बुरे की तमीज़ सिखाते हैं। और दोस्तों मदरसों में पढ़ना इतना आसान भी नहीं है जितना कि लोग समझते हैं, और एक उस्ताद अपनी पूरी मेहनत लगाता है इन बच्चों के साथ ताकि ये कामयाब हो सके और आगे चलकर दीन का काम कर सके। दोस्तों अब बड़ा सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ मदरसे में ही पढ़ना ज़रूरी है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता, हमें इल्म दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी ज़रूर हासिल करनी चाहिए और अपने बच्चों को एक परफेक्ट मुस्लिम बनाना चाहिए, क्योंकि हमें इल्म दीन की भी ज़रूरत है और हमें इंग्लिश की भी ज़रूरत है। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।